क्या मेरा बेबी हेल्दी है या नहीं है, जैसे कि थायराइड है, शुगर है, ये आपका प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले नॉर्मल होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर डायबिटीज़ है तो उसको ऑप्टिमाइज करके आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम ऑप्स के बारे में बात करेंगे। ओपीडी के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या मेरा बेबी हेल्दी है या नहीं। तो चलिए आज इसी बारे में हम बात करते हैं कि आप कैसे जाने आपका बेबी हेल्दी है या नहीं। सबसे पहले तो हेल्दी बेबी होने के लिए माँ का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। हो सकता है आपको वो कोई हेल्थ सप्लीमेंट एडवाइस करें, जैसे कि फॉलिक एसिड, कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि थायराइड है, शुगर है, ये आपका प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपके थायराइड में कुछ प्रॉब्लम आती है तो अकॉर्डिंगली आपको थायराइड की मेडिसिन दी जा सकती है। शुगर आपका कम या ज़्यादा है तो वो भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। स्पेसिफिकली अगर डायबिटीज़ है तो उसको ऑप्टिमाइज़ करके आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। कुछ एक वैक्सीन्स हैं जो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ले लेनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। वैक्सीन में सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जो है आजकल वो है कोविड की। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप वैक्सीनेटेड हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप फॉलिक एसिड का सेवन शुरू करिए। अगर आपका विटामिन डी, विटामिन B12 किसी तरह का कोई डेफिशिएंसी आता है टेस्टिंग में तो अकॉर्डिंगली आप इनके भी सप्लीमेंट के लिए जा सकते हैं। अब आपको प्रेगनेंसी आ गई है, आप कैसे पता करें कि आपका प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं। थैंक्स टू आर टेक्नोलॉजी कि आज की दुनिया में अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी होती है, जिससे आप काफ़ी हद तक अपने बेबी के बारे में जान सकते हैं। जो पहला सोनोग्राफी हम कराते हैं वो अराउंड 6 to 8 वीक्स के बीच में कराते हैं, ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी का लोकेशन सही है, प्रेगनेंसी सही जगह पे ठहरा है, बच्चे की हार्ट बीट ठीक चल रही है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, वो होता है लेवल 2 का, 5वें महीने के अंदर 19 वीक्स के करीब ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इसमें बेबी हेड टू टो पूरा चेक होता है, बेबी का ब्रेन, बेबी का स्टमक, बेबी की किडनीज, बेबी का हार्ट, हाथ पैर, उंगलियाँ, सब कुछ चेक किया जाता है कि बेबी सही बना है या नहीं। अगर आपका लेवल 2 ओके है तो 99% तक आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बात आती है ग्रोथ की। अब जो ग्रोथ होती है, जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं वो आपको पेट से भी हर बार चेक करेंगे बेबी के ग्रोथ के लिए कि आपका बेबी सही से ग्रो कर रहा है या नहीं। क्लिनिकल असेसमेंट में काफ़ी हद तक हमें जानकारी मिल जाती है, बट यहाँ भी अल्ट्रासाउंड की भूमिका रहती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से हमें थोड़ा और डिटेल में जानने को मिलता है कि बेबी का वेट कैसा है, अंदर पानी कैसा है बच्चे के चारों तरफ, और कुछ एक चीज़ें जो लेट जेस्टेशन में अपीयर होती हैं वो भी अल्ट्रासाउंड से जानने को मिल सकती हैं। अगर ब्लड सप्लाई में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, माँ से बच्चे को ब्लड सप्लाई कैसी जा रही है, जिसका कि नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड सप्लाई नॉर्मल होगी तभी तो जो आपका न्यूट्रिशन है, जो आप खा रहे हैं, वो बच्चे को लगेगा। ब्लड सप्लाई के थ्रू ही बच्चे को न्यूट्रिशन जाता है। तो अल्ट्रासाउंड से आप काफ़ी हद तक अपने बच्चे की बनावट और ग्रोथ के बारे में जान सकते हैं। अब काफ़ी लोग आजकल पूछते हैं, क्योंकि कुछ आजकल स्पेशलाइज्ड टेस्ट आ गए हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं करूँगी तो ये वीडियो अधूरा रहेगा, जैसे कि अल्ट्रासाउंड NBNT, डबल मार्कर, फीटल इको, और ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से थोड़ी कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन रहती हैं, इसलिए पेशेंट्स का थोड़ा क्वेरी करना भी जायज़ है कि ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, क्या ये कराना ज़रूरी है या नहीं। जैसा कि मैंने बताया, अल्ट्रासाउंड 5वें महीने में लेवल 2 का होता है, जिससे काफ़ी हद तक बच्चे के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुछ एक सिंड्रोम्स को टारगेट करके एक अल्ट्रासाउंड NBNT और डबल मार्कर का टेस्ट किया जाता है। ये क्रोमोसोमल लेवल के डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 13, ट्राइजोमी 18। आम भाषा में ये मैं कहूँ तो ये कुछ अब नॉर्मल बच्चों के लिए टेस्ट किए जाते हैं जो कि बाय चांस किसी भी प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। इनके होने का रिस्क 1% या उससे कम भी हो सकता है। अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो ये रिस्क 1% से ज़्यादा भी हो सकता है। डाउन सिंड्रोम की इसमें जैसे कि मैं बात करूँगी, डाउन सिंड्रोम के बच्चे जन्म से मेंटली रिटार्डेड होते हैं।
और आजकल ऐसे टेस्ट आ गए हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी डाउन सिंड्रोम के लिए हाई रिस्क पे तो नहीं है। साथ में एक चीज़ मैं और बताऊंगी, चाहे वो अल्ट्रासाउंड NBNT हो चाहे डबल मार्कर हो, ये कोई भी टेस्ट येस या नो में नहीं बताता है। ये नहीं बताएगा कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, ये सिर्फ इतना बताएगा कि आपकी प्रेगनेंसी उसके लिए हाई रिस्क में आती है या लो रिस्क में। अगर लो रिस्क में आती है तो आगे कोई टेस्टिंग नहीं होगी, अगर हाई रिस्क में आती है तो कन्फर्मेशन के लिए डाउन सिंड्रोम का जो एक्चुअल टेस्ट है वो किया जाएगा। उसके लिए आपको फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलना रहता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग टेस्ट में जो डबल मार्कर और NBNT का है उसके थ्रू अगर हाई रिस्क में आती है तो अगर आपका ये टेस्ट हाई रिस्क आता है तो भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि अगर आपका हाई रिस्क आ रहा है तो भी कंफर्मेशन में आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आने के ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि नेचर ने डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस कम ही बनाया है। 99% बच्चे नेचर नॉर्मल ही बनाते हैं, तो घबराएं नहीं अगर ये टेस्ट पॉजिटिव भी आता है तो आगे कंफर्मेशन के लिए लेकिन आपको टेस्ट कराना ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा फीटल इको, अब क्वेश्चन ये पूछते हैं पेशेंट्स की अगर लेवल 2 नॉर्मल है तो फिर हमें फीटल इको क्यों कराना है। लेवल 2 में देखो ग्रॉसली हार्ट चेक होता है कि हार्ट का ग्रॉस स्ट्रक्चर नॉर्मल है, नॉर्मल मेजर वेसल्स नॉर्मल है, लेकिन फीटल इको एक हार्ट का अलग से अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें और ज़्यादा डिटेल में बच्चे का हार्ट चेक किया जाता है, कोई दिल में छेद तो नहीं है। और दूसरा जो फीटल इको है ये लगभग 22-24 वीक्स के बीच में किया जाता है, लेवल 2 लगभग 19-20 वीक्स पे किया जाता है। तो लगभग 2-4 हफ्ते में हार्ट का साइज़ और बड़ा हो जाता है और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है उसको देखने में, और फीटल इको थोड़ा ज़्यादा टाइम देके ज़्यादा डिटेल में चेक किया जाता है। औसतन 1% का रिस्क रहता है बच्चे के हार्ट में कोई अबनॉर्मेलिटी होने का, इसीलिए फीटल इको सारे पेशेंट्स को करवाना चाहिए। तो आई होप कि मैंने आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में सफिशिएंट जानकारी दे दी होगी। इसके अलावा स्वस्थ बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको फॉलिक एसिड खाना है, बाद में आपको आयरन लेना है, कैल्शियम लेना है, डॉक्टर से आपको बार बार विजिट के लिए जाना है जब भी आपको बुलाया जाए, आपको डाइट का ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जो भी नॉर्मल टेस्ट प्रेगनेंसी के होते हैं अल्ट्रासाउंड के अलावा वो सब आपको टाइम टू टाइम कराने हैं। आई होप कि मैंने आपकी काफ़ी क्वेरी सॉल्व कर दी होंगी। अगर आपके कोई और क्वेरी हो, प्रश्न हो, तो आप हमें लिख के पूछ सकते हैं।